वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देर का है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल मदर, साहिल के मदर की जो एज है 3 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, मतलब जितनी साहिल की प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम है उसकी मदर का एज। मान लो कि साहिल अगर 7 ईयर का है तो मदर 21 ईयर की है, अगर साहिल 10 ईयर का है तो मदर 30 ईयर की है, मतलब 3 टाइम एज ज़्यादा है, 3 टाइम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट प्रेजेंट एज, हम क्या करते हैं दोनों की प्रेजेंट एज लेते हैं। पहले लेते हैं हम यहाँ पर साहिल की एज, फिर लेते हैं यहाँ पर हम साहिल मदर, दोनों की एज लेते हैं हम यहाँ पर। अब पहले हम लेते हैं प्रेजेंट एज लेते हैं, पहले हमें लेना है दोनों की प्रेजेंट एज लेनी है। माना कि साहिल एक्स ईयर का है, उसकी जो मदर है वो 3 टाइम है, 3x है। अगर ये 10 ईयर का है तो ये 30 ईयर का है, अगर ये 12 है तो ये 36 है, 3 टाइम है। अगला है आफ्टर 5 ईयर एज, अब हम लेते हैं आफ्टर 5 ईयर एज लेते हैं, आफ्टर 5 ईयर एज लेते हैं, आज से 5 साल बाद की हम इसकी एज लेते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, देखो अभी साहिल एक्स ईयर का है, मान लो 10 ईयर का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद उसकी एज 5 ईयर इंक्रीज हो जाएगी, तो हम प्लस कर सकते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पर है, साहिल के मदर की एज भी क्या होगी, 3 ईयर 5 ईयर बढ़ जाएगी, 5 ईयर है ना, आफ्टर एज लेना है, दोनों की एज 5 5 बढ़ जाएगी। मान लो ये 10 का है और ये 30 का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 35 का, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे एग्जांपल लिया है, ये वाली एज है नहीं। अब ये कह रहा है कि जो 5 ईयर वाली एज है ना, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 66 आता है, तो यहाँ पर जो है उसको लिखना है, देखो ध्यान देना, ऐड करना है आफ्टर 5 ईयर एज को, आफ्टर 5 ईयर एजेस को, दोनों की आफ्टर 5 ईयर एजेस, ये दोनों जो है ना, मतलब एक तो हो गया साहिल की एज और एक हो गया साहिल के मदर की एज, दोनों की एज को अगर मैं आपस में ऐड करूं, ऐड करेंगे तो ये आता है 66 आता है। तो बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, हमें x और 3x निकालना है, सॉल्व करो इसको। अब ये सब प्लस ही है, साइन तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो ये और ये भी आपका x है और ये भी आपका x है, 3 + 1 होता है आपके 4x, ये भी आपके नंबर है और ये भी आपके नंबर है, 5 और 5 हो गया आपके 10, इजिकल टू हो गया 66। अब ये प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 66 - 10। अब माइनस कर दो, माइनस करेंगे दोनों को तो ये आता है आपके 56। अब मल्टीप्लाई का जाएगा आपके डिवाइड में, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है, इसको हम 4 × x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई का जाएगा आपके डिवाइड में और x का वैल्यू आने वाला है 56/4, डिवाइड करो तो डिवाइड जाएगा आपके 14 टाइम। इसका मतलब है कि साहिल की एज जो है ना वो 14 है, तो ये आ गई आपके साहिल एज। अब उसकी मदर की जो एज है वो कितनी है, 3x है। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं साहिल मदर एज, साहिल मदर्स एज कितनी हो जाएगी, ये है आपके 3x है, जितनी साहिल की एज है उसका 3 टाइम कर दो तो ये हो जाएगा आपके 42। आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, ये प्रेजेंट एज है आफ्टर 5 ईयर, ये साहिल तो हो जाएगा 19 का और साहिल की मदर हो जाएगी 47 की, और दोनों को आपस में ऐड करोगे तो यही वैल्यू आने वाला है, 66 ही आने वाला है, ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये आ गई दोनों की प्रेजेंट एज, 14 ईयर एंड 42 ईयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो
तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।